मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज राजनीतिक रूप से एक थोड़ी सी हलचल वाली घटना हुई है और इसलिए हम लोग एक इस कार्यक्रम को आपके लिए लेके आए हैं। हमारे साथ उपलब्ध हैं आलोक जोशी जी, आप जानते ही हैं, बहुत सारे हमारे कार्यक्रमों में रहते हैं और रेगुलर आप अर्थ पर इनके तमाम कार्यक्रम सुनते रहते हैं और जानते रहते हैं। मुकेश कुमार जी हैं, सुनिए सच और दूसरी तमाम चीजें लेकर हमारे लिए आते हैं और आप इनसे भी खूब परिचित हैं। विभूति नारायण राय साहब हैं, रिटायर्ड IPS और रिटायर्ड कुलपति वर्धा विश्वविद्यालय और हम लोगों के कार्यक्रमों में सहयोगी हैं, वे भी हैं। मसला ये हुआ है कि आज एकाएक शाम को एक सूचना आई, फिर एजेंसियों में भी आ गई कि सरकार के जो आवास वगैरह देखने वाला मंत्रालय है और विभाग है, उसने एकाएक ये फैसला किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा से, उनके पास एक 35 नंबर का बंगला है लोधी स्टेट, जो उनको SPG की सुरक्षा के तहत मिला हुआ था, वो उनसे वापस लेने का उसने फैसला कर दिया है। और ये कहा है कि 30 दिन के भीतर यानी 1 अगस्त से पहले वैसे जो भी ड्यूज वगैरह है वो पे करके खाली कर। एकाएक ये चीज आई जब इस समय देश में ज्यादातर लोगों का ध्यान सीमा पर है और कोरोना पर है, उस समय बहुत सारी राजनीतिक हलचलें भी हो रही हैं। जैसे कभी कभी हम खबर आती है कि ED वाले पहुंच गए हैं अहमद पटेल के यहाँ, ये भी एक बहुत भारी खबर है, मैं इस पर विश्लेषण बाद में हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि क्यों ये बड़ी खबर है। लेकिन ये इधर लगातार ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो हमारे यहाँ जैसा एक मयार बना हुआ था राजनीति में उसमें नहीं होती थी, लेकिन अभी हो रही है, तो ये इसलिए जरूरी है कि इस पर बातचीत की जाए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आलोक जोशी जी से कहेंगे कि इस भूमिका को थोड़ा एक प्रस्तावना दे दें कि ये सब एकाएक इस देश में क्या और क्यों होने लगा है। आपने मुझे थोड़ी विकट स्थिति में डाल दिया शीतल जी, ये आपने सही कहा कि ये एकाएक इस देश में क्या और क्यों होने लगा है। और पिछले दिनों आपको याद है, अभी आज 1 जुलाई है, 25 जून से लगातार हम लोग याद कर रहे हैं आपातकाल की जी। आपातकाल की तरह तरह की कथाएं कहानियां सुनाई जा रही हैं जी। और उसमें ये बात बार बार आई है। और अभी राय साहब तो मेरा ख्याल जब प्रकाश डालेंगे तो उस वक्त सक्रिय रहे होंगे, उनको याद होगा जी। आपातकाल में क्या क्या होता है, हम लोग इसकी कल्पना करते थे, सुनते थे, लोगों से पूछ रहे थे कि आपातकाल कैसा होता है। अब ऐसा लगता है कि वो दिख रहा है कि आपातकाल कैसा होता है, उसके उसका एक नमूना है जी। मैं एक सवाल जरूर उठाऊंगा यहाँ पर जी। जो आपने कहा कि सीमा पर चीन के साथ समस्या खड़ी है, कोरोना जैसा इतना बड़ा संकट फैला हुआ है, इसके बावजूद सरकार क्या करने में लगी हुई है जी। उत्तर प्रदेश सरकार के 10 पुलिस वाले आते हैं दिल्ली में, सिद्धार्थ वरदराजन के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको एक समन डिलीवर करना है, अगले दिन सुबह 10 बजे उन्हें पेश होना है। इसी तरह विनोद दुआ के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे होते हैं, वहां भी पुलिस आ जाती। दिल्ली दंगों के मामले में तमाम गिरफ्तारियां हो गई, किस किस की हो गई पता नहीं, लेकिन इसी बीच वही दिल्ली पुलिस, बहुत एफिशिएंट दिल्ली पुलिस है बताया गया, उसके बाद बड़ी टेक्नोलॉजी है, चेहरे पहचान लेती है, पहले पोशाक से पहचाने जाते थे लोग, अब चेहरों से पहचाने जाते हैं। इसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर जो खून खराबा हुआ उसे करने वाले लोग नाम पता सामने होने के बावजूद नहीं पहचाने गए, न पकड़े गए, कहाँ हैं किसी को पता नहीं, उनके नाम सोशल मीडिया पे आम है जी। लेकिन यह है सरकार का काम करने का तरीका, ये कोई भी सरकार जो तानाशाही की तरफ बढ़ रही हो, जो तानाशाही रवैया अपना रही हो, वो इस तरह की हरकतें करती है जी। लेकिन इसके साथ मेरा एक प्रश्न है जो कांग्रेस पार्टी से भी है जी। और ये यहाँ मुकेश जी हैं, विषय के जानकार हैं, और राय साहब सुरक्षा विषयों के बारे में जानकारी रखते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि प्रियंका गांधी को ये बंगला दिया ही क्यों गया था, किस हैसियत से दिया गया था, किसी एक वक्त किसी एक सरकार ने बिना किसी तर्क के, बिना किसी लॉजिक के नियमों को, जिसको और सरकारी भाषा में बड़ा आम शब्द है, एक वाक्य है, नियमों को शिथिल करते हुए, तमाम काम उत्तर प्रदेश में मैंने होते हुए देखे हैं, नियमों को शिथिल करते हुए ये किया जा रहा है, नियमों को शिथिल करते हुए वो किया जा रहा है। प्रियंका गांधी को सुरक्षा चाहिए, बात समझ में आती है, मैं उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है कि वो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के परिवार से हैं, पूरा परिवार बहुत समय खतरे में रहा। तो अब सरकार को जो जवाब देना है वो ये है कि क्या आतंकवाद का खतरा खत्म हो गया है,
क्या सरकार को लगता है कि गांधी परिवार या वाड्रा परिवार या एंटोनियो महीनो परिवार, जो भी नाम आप उसको देना चाहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या वो परिवार यकीनी तौर पर आतंकवाद के खतरे के दायरे से बाहर हो गया है, या सरकार मानती है कि ये परिवार अब इसकी ये हैसियत नहीं रह गई कि इस पर किसी तरह का खतरा हो तो हमें चिंता करनी चाहिए। ये सरकार की तरफ से सवाल, लेकिन कांग्रेस पार्टी से भी सवाल है, ये बंगला अब तक प्रियंका गांधी को खुद क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए था? पहले उन्होंने ये बंगला लिया ही क्यों था? अगर सुरक्षा का सवाल था तो मेरी जानकारी में उनके पास, और आप लोग दुरुस्त करेंगे अगर मेरी जानकारी गलत है, उनके पति के पास, उनके पास दिल्ली में बड़ा फार्म हाउस है जो इस बंगले से बड़ा है, जहां सुरक्षा कर्मी भी रह सकते थे और बाकी सारी व्यवस्था भी हो सकती थी। फिर सरकार से ये मेहरबानी लेने की जरूरत क्यों थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ये मेहरबानी उनके ऊपर क्यों की थी? ये सवाल साथ के साथ पूछा जाना जरूरी है। बिल्कुल ठीक राय साहब, सीधे आप पर आते हैं, आपने मेरी बात भी सुनी और आलोक जोशी ने नए उसमें सवाल खड़े की प्रस्तावना रखते हुए, तो आप जरा इन सारी चीजों का समेत उत्तर देना चाहिए। देखिए, प्रियंका गांधी को जो ये बंगला मिला था, ये वो एसपीजी की प्रोटेक्टी थी। एसपीजी एक्ट में पहले ये प्राविधान था कि न सिर्फ वर्तमान प्रधानमंत्री बल्कि पूर्व प्रधानमंत्रियों के भी परिवार के लोगों को एसपीजी प्रोटेक्शन देती थी, और उन प्रोटेक्टिव को जो मकान अलॉट होते थे, सरकार में मकान ही देती थी, क्योंकि किसी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसको खतरा सिर्फ सड़क पे नहीं है, उसे रास्ते में चलते हुए सबसे ज्यादा तो असुरक्षित तो अपने घर में होगा, तो लिहाजा इसलिए वो मकान दिए जाते थे। और जाहिर है कि क्योंकि वो सत्ता पार्टी की थी और एक तरह से शासक परिवार की थी, तो उनको बड़ा बंगला दिया गया होगा, इसमें कोई जो कह रहे हैं जोशी जी बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन ये एसपीजी प्रोटेक्टी के हैसियत से मिला था। अब एसपीजी एक्ट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने संशोधन किया है, इसमें आप उनको एसपीजी प्रोटेक्टी नहीं रह गई उस संशोधन के मुताबिक। आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि अब सीआरपी की एक यूनिट सारे पूरे जो पुराने एसपीजी प्रोटेक्टिव हैं, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, प्रियंका भी हैं, इन सब का प्रोटेक्शन कर रही है। ये तो एक देखिए, यहाँ सिर्फ मामला कानून का नहीं है, अब राज्य की देह भाषा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, राज्य की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। भाई आप तो इतना बड़ा दिल नहीं रख सकते थे जब आप तो सत्ता में आए, मैं भाजपा के लिए कह रहा हूँ, उस समय इत्तेफाक से कांग्रेस के पास उतनी सीटें नहीं थी जिसमें वो नेता विरोधी दल हो सकते थे, और इन्होंने उनको नेता विरोधी दल का दर्जा नहीं दिया। मतलब वो कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा सा आप ये कह सकते थे कि जो सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है वो नेता विरोधी दल हो जाएगी, लेकिन वो नहीं दिया। मतलब ये उदारता तो शायद मुझे लगता है कि इसकी अपेक्षा करना ही बेकार है। तो लिहाजा ये जो प्रियंका गांधी से आज ये मकान खाली कराने वाली जो आप सूचना दे रहे हैं, ये नैतिक रूप से ठीक है, जोशी जी बहुत सही कह रहे हैं, उनको लेना भी नहीं चाहिए था, और अब खुद भी उनके पास एक फार्म हाउस है, सब कुछ है, वो जा सकती है। लेकिन ये मौका जो है और जो सरकार की देह भाषा है, वो शायद मुझे लगता है कि उस पर हमें कुछ सोचना चाहिए। अभी सिद्धार्थ वरदराजन का मामला आया, दूसरे पत्रकारों का भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे जो सिविल राइट्स के एक्टिविस्ट हैं उनके साथ क्या हर्ष हो रहा है, उनके ऊपर किस तरह से मुकदमे चला। मतलब आप थोड़ी भी सहिष्णुता राज्य नहीं अगर रखना चाहे, किसी के मुंह से कोई बात स्लिप ऑफ टंग भी हो जाए तो आप उसके खिलाफ मुकदमा कायम कर दें, उसे जेल भेज दें, उसको उसकी जमानतों का विरोध करें, तो ये एक थोड़ा चिंताजनक है। खासतौर से इमरजेंसी की बात हम कर रहे हैं, इमरजेंसी में भी यही सब होता था, इमरजेंसी में भी श्रीमती गांधी का व्यवहार लोकतंत्र विरोधी था और उसकी हमें निंदा करनी चाहिए। लेकिन अब आप आज जब आप लोकतंत्र समर्थक होने का दावा कर रहे हैं, इमरजेंसी का विरोध कर रहे हैं, तो वही सारी हरकतें करें, वही सारी चीजें करें, तो मुझे लगता है इसके बारे में सोचना चाहिए। मुकेश जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि राजनीति में एक ऊपर के स्तर पर शुचिता थी पहले, अटल जी के जमाने तक मुझे लगता है कि ये शुचिता कायम थी, क्योंकि उस समय की दो तीन घटनाएं हैं, और कांग्रेस ने भी एक हद तक वो शुचिता, जब उसमें नरसिंह राव रहे या इवन राजीव गांधी के भी जमाने में,
बीपी सिंह से उनके रिश्ते जरूर उस तरह के हो गए थे जिसमें ये सब हो रहा था, इससे मिलती जुलती चीजें हो रही थी, लेकिन उसके अलावा उनका आपस में मामला ठीक रहता था। तो इधर जो हो रहा है, जैसे अहमद पटेल के यहाँ ईडी बैठी हुई है लगातार, पूरे पूरे दिन उनसे पूछताछ हो रही है। अहमद पटेल आप सब हम जानते हैं, उसकी व्याख्या करना तो ठीक नहीं होगा कि वो किस तरह के कामों के लिए कांग्रेस में है, और इस तरह के लोग दूसरी पार्टियों में भी उस काम के लिए होते हैं जो काम वो सब लोग करते हैं, वो एक विशेष स्थिति होती है और विशेष तरह के काम होते हैं। तो इन लोगों को लोग अवॉइड करते थे जानते हुए, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अब ये टारगेटेड है मामला, अब ये कोई अब शुचिता नहीं रह गई कि पर्दा यहां तक हम करेंगे यहां तक नहीं करेंगे, अब यह है कि हर आदमी पर हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे, और लगभग वैसा ही जैसे आपातकाल में हुआ था। तो एक अलग तरह से आपातकाल, हम बिना घोषित आपातकाल को इस तरह से प्रैक्टिस देख रहे हैं, इस पर क्या आप कहें? देखिए शीतल जी, एक दो चीजें मैं पहले क्लियर कर दूं कि इस पूरे फैसले का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रशासनिक फैसला नहीं है, राजनीतिक फैसला है, और ये सरकार लगातार राजनीतिक फैसले ही ले रही है। आधार भले ही किसी चीज को बनाया जाए, आप देखिए कि आपने अभी अहमद पटेल का जिक्र किया, आप देखिए कि जहां जिन राज्यों में भी चुनाव होते हैं वहां विपक्षी दलों के नेताओं के घर पर छापे पड़ने लगते हैं, उनको अरेस्ट किया जाने लगता है, तो ये सारा सुनियोजित और पूर्व नियोजित ढंग से होता है। आप टाइमिंग देखिए, जब ये फैसला लिया गया है प्रियंका को एक तरह से सबक सिखाने के लिए, एक तरह से धमकाने के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है, सीधे सीधे योगी सरकार को चुनौती दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि अब उनकी अगर सक्रियता बढ़ी तो आने वाले दिनों में हो सकता है बीजेपी को वहां दिक्कत हो जाए, मायावती को दिक्कत होने लगी है, दूसरे दलों को भी दिक्कत होने लगी। तो एक तो ये कि कैसे गांधी परिवार को सेट किया जाए, उनको धमका कर या उनको दूसरे तरह के मामलों में फंसा कर उलझा कर किनारे किया जाए, क्योंकि लगातार जो एग्रेसिव पोस्चर लिया है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब ने, तो ये एक चिंता का विषय बीजेपी का और मोदी और शाह की जोड़ी का हो सकता है। दूसरा, ये एक ध्यान बटाने की पूरी एक्सरसाइज है। जब आपने कहा ना चीन, तो सारा ध्यान चीन पर लगा हुआ है, तब अचानक इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? सीधी सी बात है, कल जब प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे थे देश को, तो उन्होंने एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया, और एक बार उन्होंने गलती की थी, और जो सर्वदलीय बैठक में उन्होंने जो कुछ कहा था उसके बाद क्या हुआ था हम सब जानते हैं। तो ये सरकार चीन के मामले से ध्यान हटाना चाहती है देश की जनता का, और इस तरह के छोटे छोटे ये अब लगातार बढ़ते जाएंगे। हो सकता है आपको अब सुनने को मिले कि वाड्रा के घर पर कोई छापा पड़ गया है, वाड्रा को अरेस्ट कर लिया गया है, इस तरह की चीजें अब धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। और ये हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसमें प्रतिशोध की मात्रा कितनी ज्यादा रहती, वो किसी को बख्शते नहीं है, वो जिनको अपने निशाने पर ले लेते हैं उनको, उनके खिलाफ वो हर तरह से कार्रवाई करते हैं। तो ये अब ये आप देखिए कि ये गांधी परिवार पर पहला हमला तब हुआ था, अगर हमले की तरह देखा जाए, जब उनकी जो एसपीजी सुरक्षा थी वो विड्रॉ की गई थी, ये नहीं बताया गया था कि क्या उनकी उनके ऊपर जो खतरे हैं आतंकवाद के वो क्या खत्म हो गए हैं, अब उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो बिना सुरक्षा के या कम सुरक्षा के भी सुरक्षित रह सकते हैं, ये नहीं बताया गया था, लेकिन उनसे विड्रॉ किए। अब ये दूसरा मौका है जब आप सीधे प्रियंका गांधी से बोल रहे हैं घर खाली करो, अब इसके बाद आगे भी बहुत कुछ होना है, तो ये एक सिलसिले की शुरुआत भर है, पॉलिटिकल मूव है, इसकी टाइमिंग देखिए, पूरा आप जो देश में राजनीतिक और सामाजिक वातावरण है उसको देखिए, आगे चलकर आपको सुनने में आएगा ईसाई क्रिश्चियनिटी के बारे में, इटली के बारे में, ये तमाम तरह के चल रहे हैं विमर्श नरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं, और उसमें आप इसको फिट करके देखिए तो पूरा परिदृश्य साफ हो जाता है कि ये एक राजनीति से प्रेरित फैसला है, और इस तरह के फैसले अभी आने वाले दिनों में आपको और भी देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। जिस तरह की पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हमारे देश में चल रही है, ये उसका एक हिस्सा है, और तमाम विपक्षी दलों को जो भी इस तरह से खड़ा होने की कोशिश करेगा,
या नेता उसको इसी तरह से मामलों में उलझा कर, फंसा कर, परेशान करके, धमका कर किनारे किया जाएगा, ये सिलसिला चलेगा। आलोक जी, ये पूछना चाहूंगा मैं कि ऐसे स्थितियों में जनरली हम लोगों ने ये देखा है कि जैसे आपातकाल लगा था तो वो श्रीमती गांधी के लिए बूमरैंग किया, उसके बाद लोग सड़कों पे आए और जब आपातकाल हटा तो फिर पूरी धारा ही बदल गई। उत्तर भारत में तो एकदम उनका सूपड़ा साफ हो गया, दक्षिण भारत ने उनको बचाया। और ऐसा दूसरों के साथ भी हुआ है, वीपी सिंह के मामले में राजीव गांधी जो 400 से ज्यादा सीटों के साथ बहुमत में थे, जब वो ये सब करने लगे तो फिर उनको 89 में जनता ने बहुत ही बड़ा प्रतिकार दिया। और भी जगहों पर राज्यों में हम लोगों ने देखा है ऐसी तानाशाही की एक्टिविटी, वीर बहादुर सिंह वगैरह ने जब जब की तो बाय इलेक्शन हार गए थे, फिर और चीजें हुई। लेकिन इस सरकार का चूंकि मीडिया पर जिस तरह से कंट्रोल है, सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनका असर है, जितना बड़ा उनका संगठन है, जैसे उन्होंने जुडिशरी वगैरह को बिना आपातकाल घोषित किए घुटनों पर कर दिया है, और जैसा वो वातावरण रचने में सफल है, क्या इस मामले में आपको लगता है कोई बूमरैंग होने की भी कोई संभावना है, या ये सफल हो जाएंगे इस दमन को कामयाब बनाने? मैं एक्चुअली यही बात जो आप पूछ रहे हैं, जब मुकेश जी की बात सुनते सुनते मैं यही बात कहने जा रहा था कि ये बिल्कुल मुकेश जी ने 100% सही बात कही कि ये राजनीति है। ये हम लोगों ने बात की जो, क्योंकि देखिए हमारा हमारी हमारा फर्ज है जब कोई बात करें तो हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमारा फर्ज है कि हम उसके सारे पहलू सामने रखें, उसमें जो हमें सही लगता है जो गलत लगता है वो भी कहें। लेकिन ये बिल्कुल 100% राजनीति है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने तय किया है कि देश में जितना कुछ गलत हो रहा है सब सही कर दिया जाएगा, और उस सिलसिले में संयोग से प्रियंका गांधी का भी नंबर आ गया। तय किया गया कि प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और प्रियंका के जो पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, इनको निशाना बनाना है, और इनको निशाना बनाने के लिए कैसे कैसे साबित करना है कि ये गड़बड़ी कर रहे हैं और हम इस गड़बड़ी को ठीक करने जा रहे हैं, उसका एक अंग है। और जो मुकेश कह रहे हैं, जो मैंने पहले पूछा, मूल सवाल है क्या आतंकवाद का खतरा इस परिवार के ऊपर से खत्म हो गया है, क्या आतंकवाद का खतरा इस देश के ऊपर से खत्म हो गया है? अब 56 इंच की सरकार आ गई है, क्या हमें मान लेना चाहिए कि यहाँ कहीं किसी कोने में कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा? अगर वो नहीं होगा, पूरे देश पर खत्म हो गया तो अच्छी बात है, फिर सबकी सुरक्षा विड्रॉ कर लेनी चाहिए, इस नाते जो सुरक्षा मिलती है वो नहीं दी जानी चाहिए। आप देखें तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा इस वक्त जिस तरह की है, हमने अपने समय में जो अल्टीमेट सुनी वो मायावती जी की देखी थी उत्तर प्रदेश में, अब उससे कई गुना सुरक्षा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दिखती है। कोई दुर्लभ ऐसा नेता होगा जिसके आगे पीछे सुरक्षा नहीं होगी। ऐसे में आप किसी एक परिवार को, जैसे मैंने पहले पूछा, क्या आप उसे वल्नरेबल बना रहे हैं? और दूसरा सवाल जो आपने पूछा उसका जवाब मुकेश जी ने जो बात कही, राजनीति हो रही है, मुझे लगता है अगर ये राजनीति हो रही है तो जो भी कर रहा है और जो भी सोच के कर रहा है वो, मेरा ख्याल है कि राजनीति के मोर्चे पर कुछ कहीं मिसकैलकुलेशन जरूर कर रहा है, क्योंकि इस वक्त परिस्थिति ऐसी नहीं है। इस वक्त जनता के अंदर आक्रोश है तरह तरह के कारणों से, वो गरीब आदमी से लेके मिडिल क्लास तक और उससे ऊपर के लोगों तक नाराजगी है, परेशान, अपने तबाह हैं लोग, परेशान हैं, सबकी जिंदगी में इतना बड़ा भूचाल आया हुआ है, ऊपर से आपको रोज दिखाया जा रहा है। हालांकि वो एंकर लोगों की सुने तो वो कहते हैं कि जनता में जोश भरने के लिए दिखा रहे हैं कि सीमा पर क्या हो रहा है और हमारी सेना कितनी मुस्तैद है, कितनी तैयार है, और चीन को तो चुटकी में मसल देंगे। लेकिन जो आप कर रहे हैं, ऐसा लगता था कि गांधी परिवार कमजोर है, राहुल गांधी से राजनीति होगी नहीं, सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, कांग्रेस में दूसरा कोई नेता नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी सक्रिय भी हुई तो उस सक्रियता का कोई फलित तो दिख नहीं रहा था। मालूम यूं पड़ता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो फलित पहले से दिखने लगा है और वो उसे रोकने के चक्कर में इतनी तेजी से लग गए हैं कि जो नहीं होना हो वो हो जाएगा, कि प्रियंका गांधी अगर नेता न बनती थी तो इस तरह की हरकतों से बन जाएंगी, जो समर्थन जिसको कहते हैं कि आप एक विक्टिम कार्ड भले वो प्ले करें या ना करें, एक सहानुभूति की लहर जो आने लगती है, जनता में आने लगता है, ये थोड़ा ज्यादा, वैसे तो ये लोग ठीक हैं लेकिन ये इस लड़की के साथ थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं, ये वाला भाव हमारे देश में बहुत है, मध्य वर्ग में,
महिलाओं में जिनमें इस पार्टी की बड़ी अपील थी वो, और जमीन ऐसे ही खिसकती है राजनेताओं के पैरों के नीचे से, पता नहीं चलता है कब चली गई। राय साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि पहले दौर में हम लोगों ने देखा, इससे पहले जब यूपीए की सरकार थी तो जैसे कैग है और दूसरे बहुत से इंस्टीट्यूशंस थे, सीबीसी वगैरह, वो सरकार के खिलाफ बिल्कुल नजर आते थे, लगता था विपक्ष वही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे वगैरह करते थे, बहुत से इंडिविजुअल्स भी बोलते थे नौकरियों में, उनकी भी एक आवाज थी, तमाम ईमानदार किस्म के देश भर में बहुत से ऑफिसर नजर आने लगे थे जो नौकरियों में थे लेकिन अपनी बात कहते सुनते थे, इधर वो एक सिरा पूरा नदारद लगता है। तो क्या हम ये माने कि ये ब्यूरोक्रेसी और जो और सेटअप है, पूरा स्ट्रक्चर है सरकार का, पुलिस जिसमें सबसे बड़ा अवयव है, इसमें वो अपने नियंत्रण को एब्सोल्यूट लेवल तक ले जा चुके हैं? नहीं, सही है वो, तो आप तो थोड़ा भी स्पेस नहीं बचा डेमोक्रेसी के लिए या डिसेंट के लिए। मैं खुद 37 साल तक पुलिस में रहा और बहुत सारी चीजें लिखता रहा, मुझे ये पता था कि मैं कोई गलत चीजें नहीं लिख रहा हूँ और अगर मुझे इसे जस्टिफाई करना होगा तो मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, तो मुझे कभी खतरा नहीं नजर आया। लेकिन आज तो ये हालत हो गई है कि आप डिसेंट में एक वाक्य भी बोल दीजिए तो आपके साथ पता नहीं क्या हो सकता है, नौकरी से लेकर के और जेल जाने तक क्या स्थितियां बनेंगी, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तो ये तो एक है, ये सबको एक तरह से सबका दम घोटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा अभी जोशी जी कह रहे थे बहुत सही है कि देखिए कई बार चीजें बुमरैंग कर जाती। इंदिरा गांधी को अगर जनता पार्टी ने जबरदस्ती तो नहीं कहेंगे लेकिन वो गिरफ्तार करने की कोशिश ना की होती तो इंदिरा गांधी बाउंस बैक नहीं करती, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्होंने बाउंस बैक किया। तो हो सकता है सोनिया गांधी के साथ ये विक्टिम कार्ड उल्टा पड़ जाए। एक मकान तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, जाहिर है कि उनके पास और संपत्तियां होंगी, कहीं ना कहीं जाएंगी, सरकारी मकान में लीगली या ऑफिशियली रहने का उनका वो ऑथराइज नहीं कि खाली कर देंगी। लेकिन जो इससे एक इमेज बन रही, जो परसेप्शन बन रहा है वो ये है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये लड़ती हुई दिख रही है तो लिहाजा प्रियंका के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई हो रही। तो ये कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये विक्टिम कार्ड का फायदा प्रियंका को और इस सरकार को बाद में पछताना पड़े। सर बहुत गलत था, इस समय चीन था, कोरोना था, महंगाई थी, पूरी इकोनॉमी हमारी डाउन हो रही थी, इतने सारे मुद्दे हैं जिन पर इस समय हमें उलझना चाहिए। लेकिन हम उलझे कहा कि एक मकान खाली करा जिसे आप 2 महीने बाद 4 महीने बाद भी खाली करा सकते। तो मुझे भी लग रहा है जो जोशी जी कह रहे हैं कि इसका लाभ तो विक्टिम कार्ड प्रियंका को हो सकता है। अच्छा मुकेश जी, इस कार्यक्रम को समय समाप्त करना पड़ेगा, मेरे पास 2-3 मिनट है, मैं ये आपसे ही चाहूंगा कि इसको समअप करें, लेकिन ये जरूर बताएं कि आप इस समय की जो लीडरशिप है विपक्ष में, जिस तरह से वो बिखरी हुई है, एक दूसरे से लड़ रही है, इस समय जितना बीजेपी प्रियंका से लड़ रही लगभग उतनी ही ताकत से मायावती जी भी प्रियंका से लड़ती हुई नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी कभी लगता है कि वो विपक्ष है, कभी लगता है कि वो कहाँ है पता नहीं है उसका, उसके एक बहुत बड़े नेता काफी दिनों से यहाँ बगल में रामपुर में जेल में बंद है आजम खां, कोई उसने आंदोलन वगैरह जैसी चीज नहीं की। तेजस्वी यादव में वो प्रतिभा नहीं दिखती कि वो सारे लोगों को एक अच्छे मोर्चे में बदल सके और जनता को आंदोलित करके सामने कर सके। अपनी समस्याओं से हम बंगाल में जो लीडरशिप है उसको घिरे हुए देखते हैं और बाकी जो सत्रप्स है उनका कभी हाँ कभी ना नजर आता है, कभी वो लगता है कि बीजेपी के साथ है, कभी लगता है विपक्ष में है, उनका कुछ साफ नहीं नजर आता। और वामपंथी इस लायक है नहीं कि वो उनके बल पे कोई लड़ाई इस देश में बदलाव की, चाहे चुनावी बदलाव की कोई देख सके। तो इसको आप कैसे समअप करेंगे कि इस स्थिति में क्या क्या आपके हिसाब से हो सके? देखिए, इस स्थिति में तो सारी उम्मीद है वो जाकर टिकती है जनता पर, जनता ही विपक्ष को उभारेगी, जनता ही सड़कों पर आ जाए, जनता ही इतनी आजिज आ जाए इस सरकार के इन कामकाज से, जिस तरह की स्थितियां, आर्थिक स्थितियां निर्मित हो रही उससे परेशान होकर, कि वो एक आंदोलन का रूप ले ले, जैसे सीएए के खिलाफ एकदम से आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया था, ऐसे ही। अगर देखिए, हमें कई बार लगता है बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा ये आइडिया नहीं होता है, लेकिन देश का एक सामूहिक विवेक भी है, अगर वो एक समय ऐसा आता है जब उत्तर खड़ा हो जाता है तभी कोई उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन
जो विपक्षी दल है वो निश्चित रूप से बिखरे हुए, उनमें एकजुटता होने नहीं दी जाएगी, क्योंकि तमाम विपक्षी दलों की अपनी कमजोरियां भी हैं और उनका उनको अच्छे ढंग से एक्सप्लॉइट कर रही है मौजूदा सरकार। तो तमाम तरह की दिक्कतें उस मोर्चे पर हैं। मुझे तो लगता है कि जब तक जनता को ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि ये देश गलत रास्ते पर चला जा रहा है, इस देश को विभ्रमित किया जा रहा है और ये देश के हित में नहीं है, तब तक कोई नई चीज, कोई बदलाव की उम्मीद मुझे नहीं दिखती। और इसमें भी चूंकि अभी जो धर्मोन्माद का माहौल है उसमें और भी दिक्कत है, जो तमाम राजनीतिक दलों के सामने दिक्कत है, तमाम इश्यूज का जिस ढंग से सांप्रदायिकरण कर दिया जाता है, तो उसमें मुझे उम्मीद बहुत नहीं दिख रही है। लेकिन जो दूसरी आर्थिक समस्याएं अब बड़ा रूप ले रही हैं, उनसे लगता है कि जनता का स्वभाव बदलेगा, विवेक जागेगा, और वो फिर जब वो जागता है तो ये नहीं देखता है कि विपक्ष में कौन है, राहुल है या कोई और है, वो इसको इससे मतलब नहीं होता। उसका मतलब भारत भारतीय जनता लोगों को सत्ता से हटाने के लिए ज्यादातर वोट करती है। अगर उसने एक बार मन बना लिया तो सत्ता में हटाने के लिए वोट करेगी, फिर चाहे जो जीते, जो सरकार बनाए, जो भी वापस आ जाए। लेकिन वो पॉइंट अभी आया है कि नहीं आया है, ये हमें अभी देखना पड़ेगा, इसी आने वाले दिनों में रोकना पड़ेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सारे लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।